जय गुरु जी। ठंड लग रही है? हैं? तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है इनको। अबे नहीं नहीं यहाँ पे बताना था। ये देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ भाई, आराम से ले जा। अबे वो पागल, आराम से ले जा, आराम से। ओ भाई तो लो भाई, हो गया पोपट। बाहर सड़क पे भी पूरा पानी है और यहाँ पे भी पूरा पानी है। और ये देखो गली में हो गया ऑटो की भीड़, लग गया जाम, सारी ऑटो में बंद। और देखो और ऊपर आ गया। ये देखो गाइस, पहले एक सीढ़ी दिख रही थी। तो लो गाइस अंदर देखो पानी कितना कितना हो गया। ओ भाई वो देखो भाई साहब, ये कहाँ रह रहे हम। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल अरविंदो को व्लॉग्स विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। बढ़िया भाई, अपना खुश रहना चाहिए और मजे में रहना चाहिए। तो भाई आज मतलब अभी आपको बता दूं कि जिस तरह मानसून आ गया और ना ब्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था आज, बट यार जो बाहर हाल हुआ पड़ा ना, इसको देख के मेरे से रहा नहीं गया। मगर यार ये कंटेंट जरूर दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो भाई, ये सारे पौधे उठा के अंदर रखने पड़ गए कि गली के अंदर सीन देखो क्या हुआ। चले गए थे आगे, मतलब पूरा रोहतक ही डूब गया एक तरीके से। और पानी देखो कहाँ तक आया पड़ा, मारी है तीन सीढ़ियाँ टोटल, दूसरी सीढ़ी तक पानी है। और देखो हर जगह पानी। और वो भाई एक और ऑटो आ गई, अब ये करेगा कांड। तो लो भाई ये देखो, ये देखो ये कैसे वेव लेके आ रहा है। ये देखो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ अंदर हो जाओ भाई, आराम से ले जा। अबे वो पागल, आराम से ले जा। ओ ओ भाई एक मुर्गा दे दे। ओ भाई ये तो बच गए, बंदी होगी भैया की। देखो धुआं किस तरह आ रहा है, धुआं किस तरह आ रहा है, देखो गाइस। तो लो भाई हो गया पोपट, बाहर सड़क पे भी पूरा पानी है और यहाँ पे भी पूरा पानी है। और ये देखो गली में हो गया ऑटो की भीड़, लग गया जाम, सारी ऑटो है बंद। ऑटो के अंदर भी पानी है गाइस, देखो देख रहे हो। वो देखो भाई सारे धक्के मार रहे हैं ऑटो को। ओ भाई ओ यस यस, ये अंकल हेल्प कर रहे हैं, अंकल की टक्कर मार के। चलो चलो चलो, ओ भाई ये जगह काला सारा धुआं, काला धुआं, ओए होए होए भाई साहब, बुरा हाल हो गया। ये तो फ्लड वाले सार हो गए पापा, पहली बारिश में ये हाल हो गया। तो गाइस अभी ना बारिश दोबारा आ गया है। और ना मम्मी की बात सुनाता हूँ आपको, मम्मी कहती है अगर अपने गाइस को ये बता दे कि ना हमारे पौधे ये खुद ही उड़ के आ गया अंदर। गाइस देखो ये पौधे ना जो थर्माकोल वाले हैं, ये पानी में भाई ऊपर तैरने लग रहे और ये उल्टे हो गए। एक तो देखो मैंने जैसे उठाया ना, मगर ये पौधा कहाँ गया, हमारा खाली हो गया। बाकी ये बच गए, तुलसी माता बच गई और ये वाला पौधा भी बच गया। मम्मी को पता कौन कौन सा भाई, ये सारे उल्टे हो गए थे पानी में। और ये कुत्तों को देखो कैसे घूम रहे हैं भाई। और बारिश और आ गई मम्मी, ये निकल नहीं रहा, बारिश और आ गई। कुत्ते कितने खुश हो रहे हैं देखियो। ओ भाई हेलो हेलो, ठंड लग रही है? हैं? तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है इनको। अबे नहीं नहीं यहाँ पे बताना था तुम, यहाँ पे ये गाइस अपना शरीर, ओ जहाज आ गया गाइस देखो। ओ भाई भाई लहर 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 लहर, ये लहर गई भाई। सिर्फ ये पौधे बचे पड़े हैं और जो साथ वाले घर के थे वो पूरे ही बह गए, गमले गायब हो गए उनके। तो भाई साहब वो काला बादल फिर से आ गया भाई, फिर बारिश आ गई गाइस। अगर बारिश अगर दोबारा वैसे आ गई ना तेज वाली, तो आपको ये अंदर तक पानी दिखा दूँ आज, आज में गारंटी होगी। तो देखो भाई फिर से कितनी तेज बारिश स्टार्ट होगी, आप खुद ही आवाज़ सुन सकते हो, देख रहे हो। मतलब यार ये तो चलो हमारे तो अभी घर ऊंचा थोड़ा सा, मतलब जिनके नीचे हैं और उनके घर पानी गया हुआ है भाई, मेरे को तो बहुत सोच के हैरानी हो गई कि यार सामान बनाना इतना आसान नहीं होता। अब किसी के बेड ख़राब हो गए, सोफे ख़राब हो गए, एकदम तो कोई उठा के ऊपर रख नहीं सकता, कोई बाहुबली तो है नहीं। तो यार मेरे को तो देखो रुक ही नहीं रही बारिश भाई। वो देखो वो सामने वाला घर तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है,
और देखो हाँ, और साथ वाला घर भी देखो, बिल्कुल थोड़े थोड़े बच्चे हुए हैं। और नहीं तो अभी मैं पिछली गली में गया था वैसे ही गाइज। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो उनके घर में भी गया था भाई, सारे परेशान हो पड़े पूरी कॉलोनी। तो अभी भाई अपना दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी का सीन देख लो क्या हुआ, बड़ा कॉन्टीन्यूसली बारिश हो जा रही है और कितनी तेज हो रही है आप आवाज़ से ही गैस कर सकते हो। तो गाइस अभी देखा होगा उन्हें बारिश कितनी तेज आ रही है, और भाई अगर ऐसी आती रही ना तो पापा कह रहे हैं कि 1995 वाला हाल हो जाएगा, है ना पापा? मतलब क्या था 1995 में? बाढ़ तगड़ी, यहाँ पे 10 से 12 फुट पानी था अपने एरिया में। अच्छा भाई, और अभी मतलब इस पानी आगे नहीं जा रहा, वहीं रुका हुआ है बल्कि वापिस आ रहा है। भाई साहब मम्मा पापा बता रहे हैं कि भाई 95 में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई थी कि यहाँ पे 10-12 फुट पानी था। मतलब 10-12 फुट कैसे भाई साहब इस कमरे में? पूरा सोच कर भी भाई होता है कि भाई कैसे होगा, बट रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। और भाई यहाँ पे अपना मम्मी ने मौसम को मद्देनजर रखते हुए एक बढ़िया काम कर दिया, सैंडविचेस बना दिए भाई सबके लिए, बढ़िया मज़ा आएगा अब। तो गाइज मैं तो अपना सैंडविच लेके बाहर आ गया हूँ, और भाई मैं तो बाहर बैठ के खाऊँगा, अपना बारिश इतनी झमाझम हो रही है, फुल मज़े आएंगे भाई। आ जाओ आप भी खा लो गाइज। तो भाई देखो अपना मेंढक भी निकला है बाहर, मतलब बहुत सारे हैं पानी के अंदर, पहले मैंने बनाई नहीं वीडियो, फ़ोन मेरा चार्जिंग था। ये देखो ही बैठा पौधों में, ओए गिर जाएगा पीछे हो जा भाई, गिर जाएगा। हाँ सुन ली, देखा वो गया ना पीछे। तो मम्मी आपको सही परेशान कर रखा हमने, कर ही रखा है, तो भाई बता देखो अब बनवा लिया यहाँ पे ये मीठा बूढ़ा। भाई जब जब पहले बनवाया था ना तो मम्मा हमने कहा कि यार इतनी बारिश आ रही है कौन लेने जाएगा ब्रेड, जो पानी वहाँ जो थोड़ी बहुत ब्रेड पड़ी थी भाई उसका हमने अपना वो खा लिया सैंडविच, और अभी उससे पेट भरा नहीं तो ये भी बनवा लिया, तो अभी ये खा लेता हूँ। और भाई बाहर ना पानी आज मेरे को लग रहा है अंदर आ जाएगा, बट यार बारिश अगर रुक जाए यार, मतलब चलो हमारा घर थोड़ा ऊपर है, जिनका नीचे है ना भाई उनके घर तो अंदर चला गया यार। मतलब कई पापा ने भी फोन करके पूछा था अंकल से, तो वो कहते कि ना मतलब उन्होंने दीवान को थोड़ा उठा लिया बेड वगैरह, बट यार एक बार पानी तो अंदर चला गया ना बंदे को टेंशन तो होती है ना। तो गाइस बारिश और तेज़ हो गई है भाई साहब, और ना देखो देखो और ऊपर आ गया, ये देखो गाइस पहले एक सीढ़ी दिख रही थी और ये देखो एक सीढ़ी और ऊपर। ओ भाई अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे अंदर भी आ जाएगा ये तो, और उस वाले घर के अंदर चला गया यार। भाई साहब ये तो काम खराब हो गया यार, देखो गाइस सारा पानी अंदर आ गया, देखो वो देखो भाई साहब ये गाड़ी के कारण, गाड़ी पूरी डूब गई और अपने घर में गया सारा पानी, भाई साहब सारा बाहर आ रहा है। अप्पा ये क्या हो रहा है, हैं ये मजे भी लेने चाहिए बेटा, कोई बात नहीं लाइफ है भाई, बुलाना नहीं चाहिए। हाँ भाई साहब सर गाड़ी गई है, मम्मी आ गई, मम्मा डर गए पानी निकल जाएगा, मम्मा जब भी डर रही है, मम्मा जब भी डर रहे हैं, मम्मा जब भी डर सफाइयाँ करनी पड़ जाएंगी। हाँ गमले हैं आपके गाइस, देखो मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है लोगों को, देख रहे हो सब्जी वाले भैया को ही देखो, मतलब इनकी रेडी पूरी पानी में और पूरा जोर लगता है चलाने में, और ये देखो मतलब यार। तो लो गाइस अंदर देखो पानी कितना कितना हो गया, ओ भाई वो देखो भाई साहब ये कहाँ रह रहे हम, ओ भाई वो देखो वहाँ तक पहुँच गया गाड़ी के आगे तक। ओ मम्मी ये क्या हो रहा है भाई, मजे हो रहे पागल। तो गाइस देखो भाई अपना कितना पानी आ चुका अंदर, मतलब भाई कहाँ था दूसरी सीढ़ी पे और कहाँ पे आ चुका अंदर तक, अंदर पहली वाली सीढ़ी तक पहुँचने वाला, मतलब भाई समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम इतनी बारिश कैसे होगी। मतलब जितनी अब तक हमने बारिश देखी इतना भाई दूसरी सीढ़ी तक आता था लास्ट, दूसरी सीढ़ी के बाद रुक जाती थी और मिनट में पानी गायब, अब तो पानी ही नहीं निकला और ऊपर से अंदर हो रहा गया, मतलब भाई इतना तगड़े वाला मानसून है ना भाई, कहने की जरूरत नहीं, हम तो जा रहे हैं गाइस ऊपर अब। तो गाइस अभी हम अपना ऊपर गए थे और भाई अपना क्या कहते हैं बारिश आ गई नीचे आ गए वापस, तो बस ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आपसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में,
देखते हैं भाई पानी निकलता है या और बढ़ता है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस यार अपना जहाँ पे भी है जो भी है अपना, अगर तुम्हारे यहाँ पे भी बारिश नहीं आई तो तैयारी कर लो, बारिश इतनी ज़बरदस्त आने वाली है। ठीक है भाई।